क्यों भरोसा करता है गियरों पर जब चलना है तुझको अपने पैरों पर। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका नूरशद क्लासेस में। मैं नूरशद सर आप लोगों को आज लिपि के बारे में बताऊंगा। लिपि क्या होता है जिसको हम लोग अंग्रेजी में स्क्रिप्ट कहते हैं। देखिए दोस्तों हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी, चाहे इंग्लिश में बात करें, हिंदी में बात करें, या कुछ भी बोले, चाहे कविता पढ़े या फिर गाना गाए, जो कुछ बोलते हैं या पढ़ते हैं तो ध्वनियाँ होती है। ध्वनियों को बोलते हैं, उसमें क्या होता है, ध्वनियाँ होती है, साउंड होती है। तो ध्वनियों को लिखने के लिए प्रत्येक भाषा में चिन्हित्व होता है। प्रत्येक भाषा में क्या चिन्हित्व होता है, अंग्रेजी में, बंगला में, उर्दू में, फारसी में, अरबी में, हिंदी में, जो भी ध्वनि होता है, जो भी हम बोलेंगे उसमें ध्वनि निकलेगा। और ध्वनि को अपना अपना ध्वनि का क्या होता है, एक चिन्ह होता है, एक साइन तय होता है, फिक्स्ड होता है। तो इन चिन्हों को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। जैसे अगर आप हम जैसे आप हिंदी अगर लिखिए, हम अब लिखेंगे क, तो क ये हो गया क, एक चिन्ह है कि नहीं, अब क बोले एक क हो गया, अब ख ख, तो इन चिन्ह है ना, इनको हम क्या कह सकते हैं, लिपि कह सकते हैं। पहले तो ये अच्छा वर्ण है, तो हम क्या कहेंगे, भाषा में जो चिन्ह होता है उससे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। जैसे आप लिखे तो के को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जो भी ध्वनि, जो भी हम बात करेंगे, ठीक है, नहीं उसका एक ध्वनि होगा, साउंड होगा, तो उन्हीं ध्वनि का क्या होता है, चिन्ह हर भाषा में क्या होता है, तय हुआ है, ये फिक्स्ड है। तो उन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। इसके अलावा परिभाषा देखिए, एकदम पूरा डेफिनेशन, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में, परीक्षा में डायरेक्ट परिभाषा ही पूछते हैं, खास करके जो कंपटीशन का एग्जाम है उसमें आपको डायरेक्ट क्या पूछेगा, परिभाषा पूछेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाषा को लिखने के ढंग को, भाषा के लिखने के ढंग को हमको लिपि कहा जाता है। जैसे आप लिखेंगे ए, ठीक है, आप लिखेंगे अ, तो ढंग कुछ ढंग है कि नहीं, इसी ढंग को हम लोग क्या कहते हैं, लिपि कहा जाता है। जैसे हर भाषा में अलग अलग लिपि होता है, किसी में देवनागरी, तो किसी में रोमान, ठीक है, किसी में ब्राह्मी, ऐसे होता है, किसी में फारसी, ऐसे। देखिए जैसे अगर हम संस्कृत ले और हिंदी को ले, संस्कृत और हिंदी जिस लिपि में लिखे जाते हैं या जिस तरीके से लिखे, जिस चिन्ह से लिखा जाता है, उससे हम लोग देवनागरी लिपि कहते हैं। ये कई बार आप जब टेंथ के एग्जाम में बैठिएगा तो आपको भरना पड़ता है कि हिंदी जो है वो कौन सा लिपि है, तो आपको क्या लिखेगा, देवनागरी लिपि। संस्कृत और लिपि, संस्कृत और हिंदी कौन लिपि में लिखा जाता है, देवनागरी। संस्कृत और हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, क्लियर। हाँ, अंग्रेजी जिस लिपि में लिखा जाता है उसे हम लोग कहते हैं रोमन लिपि कहते हैं, क्या कहते हैं, रोमन, ठीक है, रोमन लिपि कहा जाता है अंग्रेजी। ये दोनों है ना, ये जो है हिंदी और अंग्रेजी जो है, इसका लिपि में ये खासियत है कि जब भी हम इन सबको लिखेंगे, कोई पेज में, कोई पन्ना में लिखेंगे, तो हमेशा हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे, कहां से, लेफ्ट टू राइट लिखेंगे, यानी बाएं तरफ से, बाएं तरफ से कहां हम लिखते हैं, दाएं तरफ से लिखते हैं, ठीक है नहीं। जैसे अगर आपको लिखना है क्या लिखना, ओ, ओ, उसके बाद लिखना आ, तो हम लोग इधर से जाएंगे, यानी इधर से जाएंगे, समझ रहे हो। लेकिन उर्दू में ऐसा नहीं होता है, उर्दू जो हो गया, उर्दू हो गया, अरबी हो गया, फारसी हो गया, ये सब जो भाषा आता है, तो इस सबको हम लोग किधर से, इधर से लिखेंगे। सब अलिफ, अलिफ, बा, बे, पे, ते, ये दाएं तरफ से आते हैं हम लोग, कहाँ से, राइट, राइट साइड से आते हैं हम लोग, है कि नहीं, दाएं, कहाँ से, दाएं तरफ से बाएं तरफ आते हैं, समझ गए। तो उर्दू जिस लिपि में लिखे आते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, फारसी लिपि कहते हैं। और हिंदी, संस्कृत को कौन लिपि में लिखा जाता है, जी, देवनागरी लिपि में। अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखा जाता है। तो आप, ये छोटा सा एक टॉपिक था, आशा करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।